देखिए जो जूता पॉलिश है, मैं तो सिर्फ ये जूता पॉलिश कर रहा हूँ। अगर मुझे सामान्य वर्ग के अधिकारों के लिए जान भी देनी पड़े वो भी कम है। आपने देखा होगा कि देश में पीएचडी होल्डर नेट क्वालिफाइड व्यक्ति आज चने बेचने को तैयार है। मतलब आप ये देखिए कि आत्महत्या करने की दर पिछले सालों के मुकाबले बढ़ चुकी है। सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। सरकार ये चाहती है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति सड़क पे चाय बेचे, पकोड़ा बेचे, अगर उसके पास वो भी धंधा नहीं है तो वो आत्महत्या कर ले। और एक चीज़ और है कि जो हमारी आज वर्तमान सरकारें हैं, जो हम लोग ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत से जितवाया था, सरकार एससी एसटी ओबीसी यानी जातिवाद उच्च सदन से फैलाने में लगी हुई है और उसने सामान्य वर्गों को एकदम उपेक्षित कर दिया है। तो हम लोगों का आज ये जूता पॉलिश करके ये चेतावनी है और भविष्य में हम लोग सामान्य वर्ग को जताना चाह रहे हैं कि अगर आपने सरकार की गलत नीतियों का विरोध नहीं किया तो आप और आपके बच्चे जूता पॉलिश करते ही नजर आएंगे। और ये हम लोग का सांकेतिक प्रदर्शन है और भविष्य में एक बड़ा प्रदर्शन होगा। और ये अब सड़क पर सामान्य वर्ग की महिलाएं आने वाली हैं, वो भी जूता पॉलिश करेंगी। आज जो आपका प्रदर्शन और भी लगातार आप आंदोलन करते रहते हैं सड़क के वगैरह, इसके बाद आपका क्या रणनीति होगी? क्या देखिए, हम लोगों का अगला कार्यक्रम ये है कि कम से कम महिलाओं को हम लोग सड़क पे, महिलाएं जो गृहिणी हैं इनको हम सड़क पे लाने वाले हैं। जो अभी तक देश में नहीं हुआ वो सब होगा। और 2 अक्टूबर को पूरे भारत में जितने भी विधायक हैं सामान्य वर्ग के, उनसे इस्तीफा मांगा जाएगा। यदि वो इस्तीफा नहीं देते हैं, त्यागपत्र नहीं देते हैं विधानसभा से, तो उन्हें आह्वान किया जाएगा कि उनको अपने क्षेत्र में घुसने ना दिया जाए। जैसे हमारे वर्तमान विधायक रवि शर्मा जी हैं, अगर रवि शर्मा ने झांसी सदर सीट से इस्तीफा नहीं दिया तो यहाँ की झांसी की जनता से ये आह्वान किया जाएगा कि वो अब इन्हें वर्तमान विधायक के बाद इन्हें जिताए नहीं। चमड़े का खत्म थोड़ा सा।